नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज मुजफ्फरनगर। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को मजबूती से चुनाव लड़ाने का वादा किया, तो वहीं समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने मौजूदा भाजपा सांसद संजीव बालियान पर तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में सम्मान का मुद्दा रहेगा और अहंकार के खिलाफ लड़ाई रहेगी, फर्जी मुकदमों से लोगों को राहत दिलवाई जाएगी। ग्राम प्रधान सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को उनके अधिकार दिलाना और न्यायपालिका के तहत उनके अधिकार सुनिश्चित करना, यह सब किया जाएगा। आज गठबंधन की अच्छी बात हुई है, कल आम आदमी पार्टी के लोग मिले थे, आज कांग्रेस के लोग मिले हैं और पार्टी के दोनों पार्टी के नेता बैठ करके चुनाव की व्यूहरचना करेंगे, किस प्रकार चुनाव लड़ेगा, रणनीति पर विचार करें। मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी, मेरे चेहरे से लगता होगा कि मैं संतुष्ट हूँ, अच्छा समर्थन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समर्थन को वोट में बदलना और वोट डलवाना, ये हमारा काम और कोशिश होगी। चुनाव कभी हल्का नहीं होता, हमें मुद्दा है सम्मान, सम्मान और फिर सम्मान, अहंकार के खिलाफ लड़ाई, लोगों को सम्मान और सुरक्षा की बात, फर्जी मुकदमों से निजात, प्रधानों को, मेंबरों को, जिला पंचायत के अध्यक्ष को, और अध्यक्ष चलो उन्हीं की पार्टी के हैं, दूसरे लोग जो हैं उनका सम्मान वापस कराना, उन्हें आज़ाद कराना, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना कि संवैधानिक व्यवस्था में जो लोग सहकारिता का, लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ते हैं, आगे उनके पर्चे खारिज नहीं होंगे, सबका सम्मान वापस कराने की बात है। हम किसी का गला नहीं पकड़ते। चुनावी वादों को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह चुनावी वादे किए जाते हैं उसके बाद चुनाव के बाद कोई वादा याद नहीं। मैंने तो अभी कोई वादा ये कि क्या सम्मान दूंगा, सम्मान में देता ही हूँ। हमने ये कहा कि आज़ादी देंगे गुंडई से, हमने कहा कि हाँ किसी के गले पे कोई हाथ नहीं घेर सकता, कि समाज को कोई गाली नहीं दे सकता, किसी को रिया नहीं बता सकता, हम सबका सम्मान करेंगे। हमारे हाथ में तो यो ये भाई अभी सरकार बन गई, तो एक बार मैं MP बना था। प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई रही है और सड़कों पर गड्ढे रहे हैं, लेकिन ये हम सबने खत्म किए। हाँ भाई, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, गुंडा और गुंडई कौन करते रहे, किसके साथ रहे, सबको जानकारी है, उसमें मैं कोई चर्चा नहीं करता। मतदान के प्रति प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है, मतदान में प्रशासन से एक अपेक्षा है, इस अनुरोध के साथ ये बताते हुए कि डेमोक्रेटिक सेटअप उनके कंधे पर चलता है, वो मतदान को प्रभावित करने का प्रयास ना करें, हमारा पूर्ण सहयोग उनके साथ रहेगा। क्योंकि अभी देखा गया कुछ पुलिस विभाग में जिन लोगों के ट्रांसफ़र हुए थे नियमों के मुताबिक हुए, तो उनकी रवानगी रोक दी गई ताकि वो चुनाव को प्रभावित कर सकें, उन्हें मुजफ्फरनगर लोकसभा में तैनात किया गया। तो ऐसे हालात में हम चाहते हैं कि वो किसी भी दशा में, ने नौजवान है, SSP और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों से हम अपेक्षा करेंगे, अनुरोध करेंगे कि चुनाव को प्रभावित ना करें। पहले जिलाधिकारी ने चुनाव निष्पक्ष कराए, पहले SSP ने चुनाव निष्पक्ष कराए, कम से कम निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। ठीक है, नहीं तो देखिए ये मुजफ्फरनगर है, ये लोग ना रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं हम लोग ना रहे तो बेईमाना होगा, नहीं तो होगा नहीं। चो साहब बहुत बड़े नेता थे, हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम उनकी हार का बदला लेकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, उन्हें श्रद्धांजलि, उस नेता को, वो राष्ट्रीय नेता थे, उनको हरा दिया। मैं कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मेरे मरुण में एक अंतर है। मैं कह रहा, अगर निष्पक्ष काउंटिंग रहती तब भी जीत जाते, निष्पक्ष वोटिंग होती तब भी जीत जाते। 4 बजे 6 बजे तक बूथ में फर्जी वोटिंग हुआ, सबको जानकारी है, अब नहीं होगा। जयंत चौधरी जी ने कभी ऐसा आरोप नहीं लगा, ये किसी ने आपको गलत सूचना दी है, आप तो गलत हो नहीं सकते, परंतु सूचना आपको गलत दी होगी। जयंत चौधरी जी मेरे से क्यों नाराज होंगे, मेरे उनके तो पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं तो गया उनसे 1.5 घंटा बैठका, कॉफ़ी पी का उनके साथ, परंतु इतना सही है कि अगर जयंत चौधरी मेरी वजह से नाराज होते मुजफ्फरनगर सीट से, तो आज मुजफ्फरनगर सीट किस पर है, वह लोकदल पर ना होती, वह तो लोकदल पर होती है, ऐसा कुछ नहीं है यार, लोकदल से हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अगर BSP भी गठबंधन में मिल होते तो कितना लाभ मिलेगा चुनाव में,
मैंने कहा देखिए लोकदल टूटा, हमें मानसिक पीड़ा हुई, और लोकदल बसपा आएगी तो मानसिक खुशी होगी, वोट तो बढ़ेंगे, इसमें क्या दे रहे हैं। ठीक है।